हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों से खेला जाता है होली का त्योहार। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु के अलावा किसी को नहीं मानता, तो इस बात से वो क्रुद्ध हो उठा और कई कोशिशों के बावजूद जब प्रह्लाद अपनी भक्ति के रास्ते से नहीं हटा, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। इसके पीछे कारण यह था कि होलिका को वरदान में एक ऐसा वस्त्र प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रह्लाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। पुराणों में होलिका दहन और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। होलिका दहन कैसे करें? होलिका दहन के बाद जल से अर्घ दें। शुभ मुहूर्त में होलिका में स्वयं या परिवार के बड़े से अग्नि प्रज्वलित कराएं। आग में किसी भी फसल को सेंक लें और अगले दिन इसे सपरिवार ग्रहण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है। शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा का आरंभ 3:27 से शुरू होगा, जबकि पूर्णिमा तिथि का समापन 12:17 है। होलिका दहन 28 मार्च को होगा, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 6:37 को शुरू होगा, जो 8:56 तक रहेगा। इसकी अवधि 2:20 की है। होलिका दहन के दिन क्या नहीं करना चाहिए? होलिका दहन के दिन सफेद खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के समय सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। नवविवाहित महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। सास बहू को एक साथ मिलकर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इस दिन को भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। यदि आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, बेल आइकन दबा कर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।